But, so yes, how did you fall in love? Let's go a little मुझे, bit back. मुझे मोहब्बत बहुत होती है. बहुत? बहुत होती है मुझे मोहब्बत. मतलब अब आमिर के बाद नहीं हुई है, मत समझिएगा कि मैंने उसके बाद. लेकिन जब से मैं छोटी थी तो I've always been a romantic at heart. People don't think that I am. क्योंकि मेरी presentation जो है वो थोड़ी tomboyish रही है most of my life. Yes. Not anymore, but most of my life ऐसी रही है. बट मुझे हर क्लास में मोहब्बत रही है. छोटी सी थी तब से मैं स्कूल जाती थी, कोई एक लड़का था उसके लिए मैंने बना लिया था उसको ना, हैदर साके पता नहीं कितने सारे रहे, अदनान तो फलाना तो धमाका. सो इट ऑलवेज इट्स ऑलवेज मीन एंड आई फेल इन लव मच लेटर. लाइक मैं आई थिंक द लव दैट आई आमिर वॉज माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड. उससे पहले नहीं था, उससे पहले सिर्फ क्रशेज ही थे. ओके, तो आमिर भाई से मोहब्बत कब हुई और कैसे हुई? आमिर भाई को मैंने काफ़ी तंग किया था. आमिर भाई बिल्कुल इस बात पे अग्री नहीं करेंगे, वो ये बोलेंगे नहीं है तुम हर जगह जाकर यही बोल देती हो. मैंने कहा सॉरी बट रियलिटी यही है. मुझे इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त जब आमिर मेरी जिंदगी में आया, मुझे उस वक्त कुछ नहीं करना था, मुझे अपने करियर पे फोकस करना था. बट वो होता है ना कि हो जाता है आपको उनसियत हो जाती है. एंड ही वॉज एक्सट्रीमली स्वीट. आमिर इज एन एक्सट्रीमली स्वीट, एक्सट्रीमली काइंड गिविंग पर्सन. जो आमिर की अच्छी बात यह है कि he is one of the most non-judgmental people I've met in my life, which is a big breath of fresh air. क्योंकि मैं full throttle अपने काम में थी जब मैंने ये करना शुरू किया था, and everyone around me was judgmental. So to find someone and a man and a boy, I was 23, he was 24, to be non-judgmental was amazing. And that's good. And yes. And I'm saying mashallah, that's blessed. Good. Yes. Thank you so much. Thank you, Mithila. You've come and you've educated us and humne har cheez par baat ki. And I think that I really liked it kyunki is dafa humne baat ki hai. You know, we spoke as women. Yes. And I think bahut sari khwateen aur bachiyan jo hame dekh rahi hai, sun rahi hai, unko kuch paigham mila hai, bahut sare mardon ko bahut sari knowledge mili hai. And that's our only message. So aap kya bolna chahiye apne Instagram स्नैपचैट अपने आप को शाउट आउट दो. ओके, सो मतीरा मेरा हमेशा से ये कहना होता है जिससे भी मेरी जब भी मुलाकात या बात हो कि थोड़ी जजमेंट जो है वो आपको कम कर देनी चाहिए. हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती. ये बहुत ही पुरानी कहावत है लेकिन ये बहुत ही फिट बात है. लोगों के डिफ्रेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखिए. अगर कोई गलत कर रहा है तो कह दीजिए, लेकिन उसको उस लेवल तक ना पहुंचाएं कि उसको सिर्फ ये लगे कि आप उसे बुली कर रहे हैं और किसी नेगेटिव कॉनोटेशन से उसे रोक रहे हैं. सो स्पेशली इंस्टाग्राम पे और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बीइंग नेगेटिव इज़ नॉट द आंसर. इट जस्ट शोज़ कि आप अंदर से कितने इनसिक्योर और सैड हैं. और जब मुझे कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी जो है वो भरपूर हो, ताकि आप इस किस्म की बातें एक अनजान इंसान से ना आके करें. बोल एंटरटेनमेंट के शोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.